मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि सीआरपीएफ की तरफ से 2023 के लिए टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के 9212 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया। बहुत ही बड़ी भर्ती यहां पे होने वाली है। अब तक आपने सीआरपीएफ की सेपरेट इतनी बड़ी भर्ती नहीं देखी होगी। तो आप सभी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। केवल 10th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। एज क्राइटेरिया भी काफी अच्छा यहाँ पे रखा गया। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक आप ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि पूरा एज क्राइटेरिया, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। अब चलते हैं आपकी ऑफिशियल अपडेट की तरफ, नोटिफिकेशन की तरफ, और आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सीआरपीएफ की वेबसाइट का यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नोटिस, जो कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, यानी कॉन्स्टेबल की आपकी पोस्ट रहेगी जिसमें टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली गई है, मेल एंड फीमेल 2023 इन सीआरपीएफ। यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट रहेगी वो 27/3/2023 है, यानी कि 27 मार्च 2023 से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात करें आपकी लास्ट डेट की, तो यहाँ पे लास्ट डेट देख सकते हैं 25/4, यानी कि 25 अप्रैल 2023 आपकी लास्ट डेट रखी गई है। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होगा, सीबीडी टेस्ट जो एग्जामिनेशन होने वाला, उसकी डेट भी पहले से डिसाइड कर दी गई है कि 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई 2023 तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। और इसके जो एडमिट कार्ड होंगे वो 20/6 से लेकर 25/6/2023 के बीच में रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ये पूरा शेड्यूल यहाँ पे जारी कर दिया गया। पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप सभी को मिल रही है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, केवल ऑनलाइन ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा आपका, फिर एंड आपका पीटी रहेगा, ट्रेड टेस्ट रहेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, एंड फिर इसके बाद रिव्यू एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ पे भर्ती का रहेगा, इसी के हिसाब से यहाँ पे भर्ती पूरी कंप्लीट की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे नंबर थर्ड पे अगर हम बात करें पे स्केल की, तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। साथ ही में वैकेंसीज यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल एंड टेक्निकल के लिए, दोनों के लिए, कांस्टेबल एंड टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन में, तो यहाँ पे 9212 टोटल वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मेल की वैकेंसी रखी गई है 9105 और फीमेल की जो वैकेंसी है वो है 107। तो टोटल मिला के 9212 वैकेंसी, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। और इसके लिए मैंने कम से कम 4 से 5 बार वीडियो बनाई थी कि बहुत ही जल्दी सीआरपीएफ में एक बड़ी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं था और फिर मैंने भी उस टॉपिक पर वीडियो बनाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है बनाना ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और यहाँ पे स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी रखी गई है। तो स्टेट वाइज यहाँ पे आप अपनी वैकेंसी देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी 9105 वैकेंसी मेल कैंडिडेट की, और 107 जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है वो फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो पायनियर की वैकेंसी रहेंगी, पायनियर विंग में, वो टोटल 11 वैकेंसी है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मेल कैंडिडेट की हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं आपके नंबर 6 पे एज लिमिट की, तो यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 21 से 27 साल यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए, और यहाँ पे आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा, यानी उम्र की जो गणना होगी वो 1/8/2023 से की जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है। तो आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 2/8/1996 से लेके 1/8/2002 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है जनरल कैटेगरी में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे कि कांस्टेबल किसके लिए, एमएमबी, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप एंड द बगलर, गार्डनर, पेंटर, इनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया होना चाहिए 18 से 23 साल, यानी कि ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल है। वहीं पर अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ट्रेड्स में, तो 18 से 23 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। एज की अगर मैं बात करूँ तो 1/8/2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, और जन्म आपका होना चाहिए 2/8/2000 से लेके 1/8/2005 के बीच में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर रहना चाहिए कि ट्रेड्स की जो भी वैकेंसी है ड्राइवर को छोड़ के 18 से 23 साल यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है।
अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप जैसे एससी एसटी से बिलोंग करेंगे तो 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी, ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी, एक्स सर्विस मैन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी का आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इससे आगे अगर हम बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो आपका रहेगा यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेशन। तो वो आप सभी को बताया गया कि यहाँ पे जो आपके सर्टिफिकेट रहेंगे वो कौन से फॉर्मेट वगैरह में आपको यूज़ करने हैं, तो वो भी आपको देख लेना है। नंबर 8 पे आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2023। तो यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता एंड पात्रता जो होनी चाहिए वो 1/8/2023 से काउंट की जाएंगी, यानी कि 10th पास आपने कर रखी है। जैसे कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं तो देखो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई करने के लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे 10th पास होनी चाहिए, बट यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए कि यहाँ पे आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10th पास और इसके साथ आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वहीं पर अगर आप किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैकेनिक मोटर या व्हीकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 और टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मांगी गई है जिसमें ITI वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा जो बात आती है फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन, यस आपका गार्डनर हो गया, कॉबलर हो गया, यानी कोई भी आपकी जो भी पोस्ट निकाली गई है ट्रेड की, उन सब के लिए यहाँ पे केवल एक क्वालिफिकेशन मांगी गई है, केवल 10th पास। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, कोई ITI नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप सभी ट्रेड की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केवल ड्राइवर को छोड़ के और यहाँ पे जो आपका कांस्टेबल मैकेनिक मोटर व्हीकल होगा इसे छोड़ के। इसके अलावा आपकी जो पायनियर विंग की जो वैकेंसी रहेंगी इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी अलग रखी गई है जिसमें 10th पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा जाता है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। बाकी का यहाँ पे सीवी ट्रेड में अप्लाई करेंगे तो केवल आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का काम आपको आना चाहिए, इसके लिए आपका ट्रेड टेस्ट होगा, बाकी का कोई सर्टिफिकेट ITI वगैरह आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, पूरी इंफॉर्मेशन यहां पे आप सभी को दे दी गई है, अप्लाई करने के कुछ स्टेप आप सभी को बताए गए कि कैसे आप सभी को इसके लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो एक बार आप सभी को देख लेना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ₹100 एप्लीकेशन फीस यहां पे करनी है, केवल आपको जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो ₹100 फीस पे करनी है। बाकी का अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विस मैन है तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो आपके सेंटर रहेंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के रहेंगे वो स्टेट वाइज आप सभी को सिटी बता दी गई है कि कौन कौन सी सिटी में आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, तो वो सिटी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बात आती है वो आती है सिलेबस की, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपका रिटन एग्जामिनेशन सबसे पहले होगा उसका सिलेबस जो आपका रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, यानी कि ऑनलाइन आपका टेस्ट रहेगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर टोटल 4 सेक्शन आपके रहेंगे, नंबर A, B, C एंड D। ए जो रहेगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स रहेंगे, जनरल नॉलेज का सेकंड रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा जिसके लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का आपका पेपर यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 यानी 1/4 की यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये तो हो गया टोटल आपका सिलेबस की, यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस आपको क्लियर हो जाना चाहिए, साथ ही में पहली स्टेज भी क्लियर हो जानी चाहिए कि पहली स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, 10th लेवल के यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 10th लेवल के आपसे पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहनी है, बाकी की सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे टॉपिक वाइज दी गई हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही में अगर आप असम राइफल्स में टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्स पब्लिकेशन की जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। साथ ही में इस बुक को आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफी बेहतर बना सकते हैं। परचेस करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, तो फटाफट से जाके ऑर्डर कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। इसके अलावा बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST के बारे में, तो यहाँ पे PST के बारे में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, तो ये आपका रहता हाइट क्राइटेरिया। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को रिलैक्सेशन बताया गया, जैसे कि अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर पर अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का जैसे आपका जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC हो गया या आपका SC
कैटेगरी हो गया उनके लिए इतना ही हाइट क्राइटेरिया होना चाहिए। बाकी का कुछ और कैटेगरीज हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 157, फीमेल कैंडिडेट के लिए 147.5 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से हाइट क्राइटेरिया होता है। चेस्ट की अगर बात करें तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, तो यहाँ पे नॉर्मल होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपसे कंपलसरी होना चाहिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नॉर्मल 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी 81 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तो ये तो हो गई सेना की बात। इसके अलावा आपकी बात आ जाती है यहाँ पे पीईटी यानी फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पीईटी भी करवाया जाएगा, जिसमें इन पोस्ट के लिए जैसे कि आपका यहाँ पे ड्राइवर हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर और ब्रास बैंड एंड द पाइप बैंड, कॉबलर, टेलर, इनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इन द बगलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी मेल कैंडिडेट को। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अगर आप अप्लाई करते हैं जैसे कि कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया एंड द आपका वारवर हो गया, हेयर ड्रेसर हो गया, वॉशरमैन हो गया, वॉशरमैन वूमेन हो गया, सफाई कर्मचारी हो गए, तो इनके लिए जो रनिंग रहेगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी 10 मिनट में कंप्लीट करनी होगी मेल कैंडिडेट को। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 12 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अगर आप पायोनियर विंग के लिए अप्लाई करते हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग 9 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, और पायोनियर विंग के लिए यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, जिसमें मेंशन प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। ये केवल लद्दाख रीजन के लिए रहेगा। और टेस्ट तो ट्रेड टेस्ट, आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसी ट्रेड का आपका यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, तो आप वो उसके अकॉर्डिंग आपको वो काम आना चाहिए तभी आपको अप्लाई करना। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर आप डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं तो आपका आरएमई यानी री मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को दे दी गई है कि कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले कौन सी स्टेज होगी, बाद में कौन सी स्टेज होगी, तो सारी चीज़ें एकदम से क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।